सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम है तेजस और आप देख रहे हैं टेक वेब सेंटर एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे ओप्पो एफ 11 मार्वल एवेंजर्स के बारे में। गाइस क्या है उसके सारे स्पेसिफिकेशंस, कैसा है वो फोन, कैसे है उसके सारे स्पेसिफिकेशंस, आज हम बात करेंगे। और उसी के साथ गाइस, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और उसी के साथ एक बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए गाइस, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए, ये मेरी इंस्टा आईडी है। और उसी के साथ गाइस वीडियो में अंतिम तक बने रहिए। और गाइस सेम चीज वन प्लस के भी फोन ने की थी, उन्होंने भी एडिशनल फीचर्स लाए थे एवेंजर्स के ऊपर से। गाइस आपने वो भी मोबाइल देखा नहीं है तो आप देख लीजिएगा गाइस, बहुत ही बढ़िया है। और अभी सेम फीचर्स ओप्पो ने भी लाया गाइस, मैं आपको इधर से दोनों भी फोटोज दिखा दूंगा। फोन बहुत ही बढ़िया रहेगा, बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स रहेंगे, और वीडियो में अंतिम तक बने रहिए। सो यस गाइस, अभी हम बात करेंगे ओप्पो एफ 11 प्रो के बारे में। गाइस मार्वल्स एवेंजर्स ये वर्जन उन्होंने लाया है, ये बहुत ही अच्छा एडिशनल इफेक्ट्स उन्होंने किया है उनके मोबाइल के साथ। और उसी के साथ गाइस उन्होंने वन प्लस के ऊपर भी ऐसे कुछ एडिशनल किया था, वन प्लस ने किया था, अभी सेम गाइस ओप्पो ने भी किया है। उन्होंने पीछे कुछ एडिशनल इफेक्ट्स किए, एडिशनल चेंजेस किए एवेंजर्स के ऊपर से, उन्होंने पूरा मोबाइल ही चेंज कर दिया है पीछे से, बाकी सारे डिटेल्स सेम रहेंगे। और उसी के साथ मैं भी आपको उसके सारे स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ गाइस। उसकी सबसे पहले लॉन्च डेट बता देता हूँ, लॉन्च डेट रहेगी 24 अप्रैल 2019, मतलब अप्रैल के 24 को वो लॉन्च होगा। और उसी के साथ हम उसकी बात करेंगे स्पेसिफिकेशंस की। गाइस उसका जो डिस्प्ले रहेगा वो रहेगा 6.5 इंचेस का, उसका डिस्प्ले रहेगा जो सामने जो डिस्प्ले रहेगा वो 6.5 इंचेस का रहेगा। और उसी के साथ गाइस उसका जो रैम रहेगा वो रहेगा 6GB रैम और 128GB का उसका इनबिल्ट रहेगा। आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं 512GB तक, उसको एक्सपेंड कर सकते मेमोरी कार्ड डाल के। और उसी के साथ गाइस उसके अंदर जो एंड्रॉयड पाई रहेगा वो रहेगा 9 पाई का रहेगा, मतलब उसके अंदर जो एंड्रॉयड पाई रहता है जैसे वो रहेगा 9 पाई का। गाइस मैं भी आपको बता दूंगा वो कैसे रहेगा। और उसी के साथ गाइस उसका जो कैमरा रहेगा वो कैमरा भी बहुत ही बढ़िया रहेगा, 48 मेगापिक्सल का बैक कैमरा रहेगा, और उसी के साथ 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग के लिए कैमरा रहेगा। और जो फ्रंट कैमरा रहेगा वो गाइस 16 मेगापिक्सल का बहुत ही बढ़िया, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया है उन्होंने, चेंजेस किया है सिर्फ पीछे के बैक साइड में, मतलब उन्होंने एवेंजर्स के इफेक्ट्स लगा दिए। गाइस मैं आपको यहाँ पे फोटो बता दूंगा। और उसी के साथ गाइस फ्रंट कैमरा रहेगा 16 मेगापिक्सल का, वो भी बहुत ही बढ़िया रहेगा 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, पर बैक कैमरा उन्होंने बहुत ही अच्छा 48 मेगापिक्सल का रखा है। और उसी के साथ गाइस फोन के अंदर रहेगा फिंगरप्रिंट सेंसर रहेगा, मतलब आप आपके थंब और फिंगरप्रिंट से उसको ओपन कर सकते हैं। और उसी के साथ गाइस फेस लॉक अनलॉक भी रहेगा, गाइस आप आपके फेस से उसको अनलॉक कर सकते हैं। आप उसके अंदर बहुत कुछ अलग अलग फीचर्स भी देख सकते हैं गाइस, बहुत ही अच्छा फीचर्स है ओप्पो के अंदर। और उसी के साथ गाइस सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया रहेगा कि गाइस उसका जो बैटरी बैकअप रहेगा वो रहेगा 4000 mAh का, गाइस बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया 4000, इतना अच्छा बैटरी मिलेगा। और उसी के साथ समझो अगर आपकी चार्जिंग हो रही कम तो कर दीजिए वूक से चार्जिंग, और कर दीजिए अपने चार्जिंग को फास्ट, और फास्ट चार्जिंग यूज़ करके कर दीजिए फ़ोन को बहुत ही बेहतर। आप जब भी फास्ट चार्जिंग करते हैं गाइस, फ़ोन बहुत ही फास्टली चार्ज होता है गाइस, मतलब इट विल टेक अराउंड 1 आवर्स टू फुल चार्ज गाइस, 1 घंटा लगेगा पूरा चार्ज होने में, पर बहुत ही अच्छा रहेगा और बहुत ही बढ़िया रहेगा। आपको कहीं ट्रैवल करना है तो बहुत ही अच्छा रहेगा गाइस। ओप्पो ने ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया है, सेम रहेगा, सिर्फ उन्होंने एवेंजर्स का इफेक्ट ऐड कर दिया है, एवेंजर्स का एडिशनल कर दिया है गाइस, मार्वल्स एवेंजर्स। और अभी तक आपने उस मूवी को देखा नहीं है द एंड गेम, बहुत ही अच्छा मूवी है गाइस, बहुत ही बढ़िया है, उसका प्रोमो मैंने देखा था, आप भी जाके देख लीजिए गाइस, बहुत ही अच्छा मूवी है। और सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक, कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर, उन्हें भी बता दीजिए कि ये फ़ोन बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही अच्छा है। गाइस ये मेरी छोटी सी वीडियो थी आपको सिर्फ एवेंजर्स के इफेक्ट्स बताने के लिए, ओप्पो के अच्छे फ़ोन बताने के लिए गाइस। और उसी के साथ गाइस मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और गाइस मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए गाइस, मैंने वहाँ पे एक मोबाइल को अनबॉक्स भी किया था, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और गाइस थैंक यू मुझे सब्सक्राइब करने के लिए, थैंक यू।